971 डबल इंटीग्रेशन के अगले प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे। अब ये जो हमारा प्रॉब्लम है ये एक अलग प्रकार का प्रॉब्लम है और अक्सर एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, और अगर तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम्स सुकून से सॉल्व करना है तो तुम्हें ये 5 फॉर्मूलेस लर्न होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि पाँचों के पाँचों फॉर्मूलेस आएंगे, इनमें से कुछ फॉर्मूलेस का इस्तेमाल हो सकता है, तो इट इज़ रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड कि 5 फॉर्मूलेस लर्न कर लो, ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जो फॉर्मेट का इस्तेमाल हम करने वाले हैं वो फॉर्मेट का इस्तेमाल ऐसे प्रकार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ होता है। तो अगर तुम ऐसे प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करोगे तुम्हारे बुक में से या मेरे नोट्स में से कहीं से भी, तो इस फॉर्मेट को अपने दिमाग में रखना। मतलब अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये दिमाग में वैसे रहने वाला है, तो उसका टेंशन नहीं है। प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, ओके। आप कोई भी प्रॉब्लम कैसे भी सॉल्व करो, ठीक है, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवे, अभी सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले हमारा सुविचार क्या कहता है, अगर लिमिट्स x के टर्म्स में है तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y। तो अभी यहाँ पे जो लिमिट्स है वो x के टर्म्स में है, तो हम सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे। सो अभी यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 0 to 1। अभी अगर लिमिट्स x के टर्म्स में है तो हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे एंड dx बाहर। अब टेक्निकली हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, हमारे पास हमें लाइक सॉल्व करने के लिए आगे कुछ क्लू ही नहीं मिल रहा है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब ऐसे सिचुएशन में देखो क्या करना है, सबसे पहले अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें चीज़ें दिखना चालू हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ इसलिए मुझे चीज़ें दिखना चालू हो चुका है, और एक चीज़ मुझे दिख चुकी है, और वो एक चीज़ कौन सी मैं आपको बताऊँगा। अभी यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, 0 to 1 plus x square एंड अभी यहाँ पे 1 plus x square एंड square plus y square। अभी ये कैसे मैंने लिखा और क्या ये मैं लिख सकता हूँ क्या? ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि इसका आंसर यही होता है, राइट? और इसका आंसर यही होता है, मतलब बेसिकली ये यही है, और ये जो यहाँ पे लिखा है ये तुम्हें एक क्लू दे रहा है कि ऐसा लिखो, ठीक है। ये दोनों देखो सेम है, तो इसी से तुम्हें पहचान जाना है कि नीचे हम कुछ चेंजेस करके थोड़ा सा सिमिलर ला सकते हैं। बट मैंने ऐसा लिखा क्यों? मैंने ऐसा इसीलिए लिखा क्योंकि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, ये आई गेस तुमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ठीक है। इनमें से मैक्सिमम फॉर्मूले तुमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। अब उस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे 0 to 1। अगर उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो 1 upon a, मतलब बेसिकली ये, दैट इज 1 plus x square एंड tan इनवर्स y, व्हाट द हेल इज y, y इज y एंड अपॉन a, व्हाट द हेल इज a, a इज दिस, दैट इज 1 plus x square, ठीक है। एंड लिमिट्स 0 to 1 plus x square एंड dx। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब जो लिमिट्स है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट अंदर जाएगी क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो y के जगह पे अगर ये रखा हमने तो कट हो जाएगा और tan इनवर्स 1 आ जाएगा। tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 होता है, राइट? इसलिए पाई अपॉन 4 इंटू ये वैसे का वैसा 1 upon √1 plus x square। एंड अभी ये हो गया तो ये आया माइनस 0, y के जगह पे जाएगा, तो अगर y के जगह पे 0 रखा तो ये 0 आ जाएगा, और tan इनवर्स 0 0 होता है तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड dx, ओके, अब ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो एरफ कर देते हैं। एंड उसके बाद पाई बाय 4 बाहर चले जाएगा और अंदर 0 to 1, 1 upon √1 plus x square dx इज इक्वल टू पाई अपॉन 4, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon √ दिस किधर गया, log x plus 1 plus x square, ओके, ये आ गया। और लिमिट्स डालना मत भूलना 0 to 1। अभी 1 अंदर जाएगा x के जगह पे, तो अगर 1 अंदर गया तो हमें मिलेगा log 1 plus √
1 plus 1 square, यानी कि 1 plus 1, that is 2, right? And minus, अगर 0 अंदर गया, तो, अच्छा, कर ही लेते हैं, अगर 0 अंदर गया, that is log 0 plus under root 1, अभी यहाँ पे, इसका 1 answer आएगा, 1 log 1, log 1 is 0, तो इसलिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है, okay? And ये क्लोज अब इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व क्या ये आंसर है ठीक है ये हमारा फाइनल आंसर इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते दिस इज द फाइनल आंसर राइट सो हमारा फाइनल आंसर है कॉपी कर लो